हाय फ्रेंड्स, आपका फिर से एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। लॉकडाउन के बाद जो है मैं आपको पहली वीडियो दे रहा हूं और ये है रेनो की ट्राइबर का और ये टॉप मॉडल है RX-Z मॉडल। तो आज मैं इसका डिटेल रिव्यू आपको देने वाला हूं, वॉक अराउंड रिव्यू। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसकी ऑन रोड प्राइस जो है अब क्या है अगर आप रेनॉल्ट की ट्राइबर लेना चाहते हैं तो। तो यहाँ पे पहले मैं इसके लुक को दिखा देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप इसके फ्रंट के लुक को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जो कि आपको बेस मॉडल से ही दिए जाते हैं और यहाँ पे आपको DRL भी दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे वीडियो हैं रेनो के ट्राइबर के लिए, लेकिन आज का ये वीडियो जो है वो लॉकडाउन के बाद है। तो इसमें मैं आपको देना चाहूँगा कि इसकी ऑन रोड प्राइस जो है वो क्या है। तो इस कार की लुक जो है वो काफ़ी अच्छी है, इसकी सेल भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप लुक देख सकते हैं और इसमें आपको आप देख सकते हैं कि अलॉय व्हील टाइप की आपको यहाँ पे दी गई है, लेकिन ये स्टील व्हील ही आपको मिलती है। यहाँ पे आपको व्हील कवर जो है वो आपको बहुत ही अच्छी मिलती है और यहाँ पे आपको C8 के टायर जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे आपको 15 इंच के टायर मिलती है, देखिए 185/65 R15 के टायर आपको मिलती है। और यहाँ पे ORVM देखें तो आपको बॉडी कलर में दी जाती है और यहाँ पे आपको रूफ रेल दिया जाता है जो कि आपको 50 kg की वजन जो है वो आपको संभाल सकती है। और ये कार जो है काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो रियर की डोर में आपको RX-Z के बैजिंग जो है वो की हुई है। ये आप देख सकते हैं इसकी फ्यूल टैंक। यहाँ पे टेल लैंप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लुक इसकी चारों तरफ से अगर देखें तो रेनॉल्ट ट्राइबर जो है लुक के मामले में बहुत ही बढ़िया है। देखिए यहाँ पे आपको एनर्जी की बैजिंग जो है वो भी दी गई है। और इसमें आपको इस मॉडल में अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको 3 सेंसर जो है पार्किंग सेंसर वो दिए जाते हैं। यहाँ पे ट्राइबर की बैजिंग जो है वो की हुई है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है और रेनो का लोगो जो है यहाँ पे दिया गया है। रियर पार्किंग कैमरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए रियर का लुक जो है इस तरह से आपको मिलता है। और ये कार जो है काफी अच्छी है, इसमें स्पेस आपको काफी अच्छा मिलता है जो कि बहुत ही बढ़िया है। चलिए इस कार के अंदर चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या आपको जो है इस मॉडल में आपको प्रोवाइड की जाती है। ये टॉप मॉडल है RX-Z मॉडल और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल्स जो हैं वो मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल जो हैं वो आपको मिल जाते हैं, ORVM के कंट्रोल यहाँ पर आपको मिलते हैं, छोटा सा कॉइन स्टोरेज यहाँ पर आपको मिलता है। यहाँ पर आपको बोतल होल्डर दिया गया है जो कि 1 लीटर का है और यहाँ पर आपको स्पीकर भी मिल जाता है। डोर नॉब पे आप देख सकते हैं इस प्रकार के आपको क्रोम इंसर्ट जो है वो आपको मिलती है। फ्रंट का डैशबोर्ड देख सकते हैं कि किस तरह से आपको मिलता है। मैं आपको बार बार एक ही चीज इस कार में बताता हूं, पहले अंदर आ लेता हूं कि इस कार में जो है आपको स्टेयरिंग में किसी भी तरह की कोई कंट्रोल नहीं मिलती, जो कि काफी आजकल की कारों में, सभी कारों में लगभग स्टेयरिंग में आपको कंट्रोल मिल जाता है, खास करके टॉप मॉडल में, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं मिलती है जो कि देनी चाहिए थी रेनो को। और यहाँ का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं, इस तरह से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे आप म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो बड़ा सा टच स्क्रीन आपको दिया गया है, देखिए। और एसी के कंट्रोल्स जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिल जाता है टॉप मॉडल में। गियर नॉब की बात करें तो आपको 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स आपको मिलती है। और मज़े की बात अब ये है कि आपको AMT भी अब इसमें लॉन्च की गई है जो कि कुछ ही दिनों में आपको मिल जाएगी। डैशबोर्ड की बात करें तो बहुत ही बढ़िया डैशबोर्ड आपको मिलता है। यहाँ पे आप प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें तो वो भी आपको डिसेंट मिलती है। यहाँ पे आपको ये जो फिनिश दिया गया है ये देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। यहाँ पे ग्लोव बॉक्स की बात करें तो देखिए ऊपर में एक ग्लोव बॉक्स आपको मिलता है, ये टॉप मॉडल है। अगर आप लो मॉडल लेते हैं तो वहाँ पर आपको ऊपर में ग्लोव बॉक्स जो है वो नहीं दिया जाता है, अगर आप ट्राइबर लेने की सोच रहे हैं तो।
और यहाँ पे नीचे भी एक बड़ा सा ग्लो बॉक्स आपको मिलता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफी सारा स्टोरेज आपको मिलता है ग्लो बॉक्स के अंदर में भी, और ये कूल्ड ग्लो बॉक्स है। इस ढंग से फ्रंट का जो लुक है वो भी काफी अच्छा है, डैशबोर्ड काफी अच्छा है, ग्लो बॉक्स काफी यहाँ पे बेहतर आपको दिया गया है, और यहाँ पर भी आपको स्टोरेज जो है वो आपको दिए गए हैं। यहाँ पे यूएसबी और ऑक्स दोनों का केबल जो है वो आपको मिलता है। इस मॉडल में अब बात करें तो सारे चीज़ें जो है वो आपको दिए गए हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है, लेकिन एक ही चीज़ जो खटकती है वो है यहाँ की स्टेयरिंग की जो कंट्रोल है वो। और यहाँ पे आप सेंट्रल कंसोल में देखें तो यहाँ पर भी आपको जो है ग्लो बॉक्स दिया गया है जो कि कूल्ड है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे आपको इसको दिए गए हैं ब्लोअर्स के कंट्रोल्स, देखिए इस प्रकार से। अगर आप फ्रंट में देखें तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर चेक कर लेता हूँ। देखिए टॉप मॉडल है तो आपको को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर मिल जाती है, और ड्राइवर साइड देखें तो यहाँ पर भी आपको वैनिटी मिरर जो है मिल जाती है, यानी कि दोनों साइड आपको वैनिटी मिरर मिलती है। यहाँ पे रूफ लाइट की बात करें तो देखिए फ्रंट में आपको रूफ लाइट दिया गया है। अब चलिए सेकेंड रो में चलते हैं, वहाँ पर जाकर देखते हैं कि इस मॉडल में आपको क्या मिलती है। दोस्तों सेकेंड रो की डोर पर आए तो यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं देखिए, और यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश दिया गया है जो कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पे देखने में लगता है। और यहाँ पर भी आपको 1 लीटर का बोतल होल्डर मिल जाता है। यहाँ पे डोर ओपनर में यहाँ पे देखिए आपको सिल्वर फिनिश जो है वो आपको दिया गया है। और सेकेंड रो की बात करें तो इस प्रकार की आपको सेकेंड रो मिलती है। यहाँ पे आपको एडजस्ट करने के लिए हेडरेस्ट मिलता है देखिए इस ढंग से, और इसकी सीट जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल मुझे लगती है। और यहाँ पे सेकेंड रो में जब आप आते हैं तो यहाँ पे आप अगर नीचे देखते हैं तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग पोर्ट जो है वो आपको दी गई है इस ढंग से, और एसी के ब्लोअर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं सेकेंड रो में देखिए इस ढंग से। काफ़ी अच्छी ढंग से रेनो ने इसे सजाया है इस कार को। और यहाँ पे आपको एसी के वेंट्स के कंट्रोल आपको मिलते हैं, एसी वेंट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। यहाँ पे सेकेंड रो में अगर आप देखें तो यहाँ पे सीट की कंफर्ट जो है वो आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, और मैं आपको थर्ड रो पर भी ले जाऊंगा और दिखाऊंगा कि थर्ड रो में जो है आपको सीट की कंफर्ट किस ढंग से मिलती है। इस सेकेंड रो की जो सीट है यहाँ पर आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा उधर से। देखिए इस सीट को आराम से आप फोल्ड कर सकते हैं, वन टच फोल्डेबल यहाँ पे सीट आपको मिलती है देखिए, बहुत ही आसानी से ये फोल्ड होती है, और आप थर्ड रो में जा सकते हैं। और थर्ड रो में आप आते हैं इस टॉप मॉडल में तो यहाँ से गाड़ी काफ़ी लंबी लगती है अगर आप पीछे बैठते हैं तो। और यहाँ पर भी देखिए आपको एसी के कंट्रोल्स जो हैं थर्ड रो के लिए भी आपको मिलती है देखिए, दो एसी के ब्लोअर्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। यहाँ पे थर्ड रो में आते हैं तो यहाँ पर भी आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग पोर्ट दी गई है जो कि सुविधा के अनुसार से बहुत ही बढ़िया है। अगर आप पीछे भी बैठते हैं तो आप अपने मोबाइल वगैरह को चार्ज कर सकते हैं, या फिर अगर आप कार को साफ करते हैं वैक्यूम क्लीनर से तो उसमें ये काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। यहाँ पर आपको छोटा सा एक स्टोरेज दिया गया है। यहाँ से थर्ड रो से अगर आप देखें तो बहुत ही बढ़िया लुक दिखती है इस तरह से, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और बढ़िया बात यह है कि आप जो सेकेंड रो की सीट है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, पर थर्ड रो की सीट को आप निकाल भी सकते हैं और अपना आप बूट स्पेस जो है वो आप बढ़ा सकते हैं, और इसकी बूट स्पेस जो है 550 लीटर के आसपास बढ़ जाती है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, अगर आप इसको 5 सीटर लेकर चलते हैं इस कार को तो आपकी बूट जो है वो काफ़ी अच्छी बन जाती है, बूट स्पेस आपकी काफ़ी अच्छी हो जाती है, और आप आराम से 5 लोग बैठ कर इसके बूट का भी मजा ले सकते हैं। इसको आप 4 सीटर भी बना सकते हैं, जैसे कि इस ढंग से इस सीट को अगर आप फोल्ड कर देते हैं तो ये 4 सीटर भी बन जाती है। तो इस ढंग से इस कार को आप 4 सीटर 5 सीटर हर तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये टॉप मॉडल है तो इसकी प्राइस भी मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अब इस कार को लेते हैं तो इसमें डिस्काउंट क्या है। तो यहाँ पे आपको इस कार में किसी भी तरह की कोई भी डिस्काउंट अभी भी नहीं दी जा रही है, लेकिन इस कार की ऑन रोड प्राइस मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे रामगढ़ में आपको ये कार अगर आप खरीदते हैं टॉप मॉडल तो 7,75,000 के आसपास आपको ये कार जो है ऑन रोड प्राइस आपको मिल जाती है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप रेनो की ड्राइवर लेना चाहते हैं तो आपको काफ़ी सारी जानकारी जो है वो आपको मिली होगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं, और अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं।